So hey guys and welcome back to your channel. So your channel बोला इसका मतलब ये तो मेरे चैनल जी हाँ guys ये चैनल आपका ही है लेकिन 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 सिर्फ आपका होने से तो होगा नहीं इट्स मीन हम सबका होना चाहिए ना तब ना हम कंजेस्टेबल हो सकते हैं तो इसलिए इस चैनल का नेम मैंने आवर इंडियन प्लेटफॉर्म लिया है कि ये हम सबका चैनल है तो बी सपोर्टिंग आपके चैनल को आप सपोर्ट करो ठीक से तभी ये चैनल और ग्रो करेगा एंड आपके लिए और वीडियोस लेके आएगा तो आज का वीडियो का कंटेंट कुछ नहीं बोलते हुए स्टार्ट करते हैं तो अभी मैं 6 बज रहे हैं एंड ब्लॉग आज तक फर्स्ट ब्लॉग मेरा स्टार्ट हुआ है एक्सप्लोरिंग रांची को लेके तो वीडियो को लास्ट तक देखो एंड तक देखना लाइक सब्सक्राइब सब चीज़ कर दो तो अभी गेटअप होते हैं एंड देन आफ्टर चलते हैं अपने ब्लॉग्स की तरफ ओके ना सो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि ये इमोशनली की एक मंदिर है और ये मेनली मेन रोड पे आता है ये बहुत ब्यूटीफुल सीन देता है और जैसा ऊपर में देख सकते हो इसका जो वाह व्हाट अ लुक मुझे बहुत पसंद आता है ये मंदिर क्योंकि ये दूर से मैंने बहुत जगहों से मैंने बिल्डिंग से ट्राई किया है लेकिन मुझे सब जगह तरीके से ये दिख जाता है क्योंकि ये इतना ऊँचा है ही मंदिर इट्स मीन जो उसका माउंट है ऊपर वाला वो इसका मुझे बहुत परफेक्ट लगता है नीचे का थोड़ा है लेकिन पूरा साइलेंट है क्योंकि इतने सुबह कोई कुछ ओपन ही नहीं करता बहुत अच्छा भी लग रहा है एंड बहुत डर भी लग रहा है यार कोई कुछ बोल दे तो क्या बहन जी अभी का कुछ सीन ऐसा होने वाला है कि मैं इमोशनली पहुंच चुका हूं अपने जहां डेस्टिनेशन है एंड डेस्टिनेशन क्या है पीछे का सीन देख सकते हो और तो पीछे का सीन देखो एंड वहाँ सिर्फ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन अब मैं कहाँ हूँ ये मुझे नहीं पता लेकिन इसका नाम मुझे पता है जितना जितना मैंने एक्सप्लोर करके जाना है बड़ा तालाब बोलते हैं इसको ठीक है एंड जो रांची के व्यूअर्स देख रहे हो भाई उन लोगों को पता ही होगा कौन सा ये आई मीन कौन सा जगह मुझे नहीं पता आप लोग कमेंट आउट करके मुझे क्लियरली बता दो कि मैं कौन से रास्ते से मैं पैदल चल रहा हूँ एंड कौन सा इमोशन था तो मुझे लगा कि चलो भाई अब निकल ही चुके हैं तो भाई क्यों नहीं इस जगह पहुँचे तो वीडियो बनाते बनाते एक्सप्लोरिंग रांची का फर्स्ट पार्ट था एंड अब मुझे दिखाता हूँ एक अच्छा सा सीन जो मुझे एक क्या बोल सकता हूँ एक कैटेगरी पे मुझे रांची पे हूँ ये मुझे टोटल तरीके से मुझे बता दिया ये है देखो ये देखो वी लव रांची है ना तो अब चलो कुछ कुछ शॉट्स लेता हूँ उसके बाद फिर आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसा कैसा हो सकता है रांची का एनवायरनमेंट एंड है विल्लब राशि देखो कितना अच्छा पॉइंट आउट के लिए वॉल पेंटिंग किया गया तो उसके बाद फिर यहाँ से इसका सीन देख सकते हो यहाँ से इतना क्लोजली थोड़ा सा उधर जाता हूँ ये शायद इसको बड़ा तालाब बोलते हैं राशि में इस इमोशंसली ज़्यादा दूर नहीं जाता यार तो देख ही सकते हैं पोजिशन कैसा है तो यहाँ से इसको करने का ट्राई करता हूँ एंड फोकस नहीं कर रहा है क्योंकि फोन क्या करता भाई मेरा हर टाइम मुझे ना करने वाला ही नहीं है तो यहाँ से इसका सीन बहुत क्रेजी आउट लगता है तो इसको मैं 360 डिग्री पे दिखाता हूँ देख सकते हो कि कितना ब्यूटीफुल सा पेंटिंग किया गया है बहुत सुंदर लग रहा है मेरे को तो बहुत अमेजिंग लग रहा है इसलिए क्योंकि लाइफ में कभी ऐसा मैंने पेंटिंग देखा ही नहीं है इमेजिन नहीं किया था कभी ऐसा पेंटिंग भी कोई ऐसा वॉल पेंटिंग भी कर सकता है मतलब बहुत 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 जिसको बोलते हैं ये स्कूल है आई थिंक ये स्कूल है एंड यहाँ से कुछ पता नहीं चल रहा है मतलब यहाँ पे एक पोस्टर दिया हुआ है जिसके थ्रू मैं मुझे पता चला कि ये स्कूल है
देन आफ्टर यहाँ से कुछ देखो, यहाँ से सीन बहुत अमेजिंग लग रहा है, क्योंकि मुझे ये जगह मैंने इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि भाई कोई अच्छा जगह ही नहीं सेलेक्ट करने के लिए, सब जगह यार कचरा है वगैरह वगैरह। हाँ तो भाई लोग, मैंने क्या कहा था कि मुझे जो था ये जगह इसलिए पसंद आया था क्योंकि यहाँ से जो सुबह सुबह का जो सीन आती है ना, जो सनराइजेस का होता है, मतलब सनराइजेस के यदि आप कोई ऐसे समुद्र या फिर पानी वाली जगह प्लेस पे जाओ और वहाँ से यदि आप उसके शॉट आउट लो तो इतना ही क्रेजी शॉट लगता है, बहुत अमेजिंग से शॉट लगता है, पता है सब शॉट को फील कर जाता है यही शॉट। तो यहाँ से इसकी टोटल सीन वो जो दिख रहा है ना, वो पहाड़ी मंदिर हो गए, वहाँ पे भी मैं एक दिन ब्लॉग बनाऊंगा, वो पहाड़ी मंदिर है ठीक है। एक्सप्लोरिंग रांची का ये पार्ट वन है, पार्ट वन मतलब डेली व्लॉग्स बनाने का ट्राई करूंगा, लेकिन इस बात से मैं डर जाता हूँ कि यार लोग क्या कहेंगे, एंड यही मतलब क्वेश्चन मार्क मेरे में बहुत गंदी चीज़ है, लेकिन छोड़ो अब स्टार्ट किया ही है तो फिर चलते हैं हम लोग आगे की तरफ, देखते हैं क्या होता है। तरीके से ही है अच्छा है। और यहाँ हर जगह वॉल पेंटिंग बहुत किया गया है यार, पेंट ऐसा किया गया है कि कभी छूटे ना इश्कियन पेंट। ये जो तालाब का सीन देखते हो गए ना, ये बहुत बहुत अमेजिंग लगता है, और यहाँ से होगा सनराइज करो यहाँ से, मतलब इसका मतलब ये जो पॉइंट आउट है वहाँ से जितनी हम लोग वहाँ से करते हैं शूट आउट लेते हैं फोटो, तो फिर इसका जो सनराइज है उसको बहुत अच्छा क्लियर दिखेगा। वो देखो पहाड़ी मंदिर है एंड बहुत कुछ है। तुमसे कम नहीं